लोकटक लेक इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के रूप में लोकेटेड है। लोकटक लेक जो है वो हमारे इंडिया के मणिपुर स्टेट में एग्जिस्ट करती है। लोकटक लेक जो है वो फ्यूमडीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब ये फ्यूमडीज क्या होती हैं, यहाँ पर इस लेक में इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेशन और सोइल से मिलकर के इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पर फ्लोटिंग स्टेज में ये देखने को मिलती हैं। ये जो लोकटक लेक है इसी का इंटीग्रल पार्ट है केबू लामजाऊ नेशनल पार्क, और केबू लामजाऊ नेशनल पार्क जो है वो भी इसी तरीके से फ्यूमडीज के रूप में फ्लोटिंग यहाँ पर करता रहता है। मतलब पूरे वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर संगाई डियर भी मिलता है, संगाई डियर जिसको डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं, और वो उनकी जो डांसिंग जो उनकी स्टेज देखने को मिलती है वो इस फ्यूमडीज की वजह से ही होती है, क्योंकि केबू लामजाऊ नेशनल पार्क जो है वहाँ पर ये संगाई डियर देखने को मिलता है और ये जो फ्यूमडीज जो है वो यहाँ पर फ्लोटिंग करती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अप एंड डाउन देखने को मिलता है। संगाई डियर को मणिपुर स्टेट का एनिमल का जो एनिमल स्टेट का डेजिग्नेशन भी दिया हुआ है। ये जो लोकटक लेक है ना, इसको 1990 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन भी दिया गया था। आप सभी को पता है कि वेटलैंड साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में ईरान के सिटी रामसर में एक ट्रीटी की गई थी, एक कन्वेंशन की गई थी, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, और उसी के अंडर इसको डेजिग्नेशन दिया गया। ये जो रामसर कन्वेंशन की गई, कुछ टाइम के बाद में देखा गया कि जो भी वेटलैंड साइट जिसमें टाइम के साथ में डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, तो उन सभी को इम्प्रूवमेंट वहाँ पर करने के लिए उन सारी वेटलैंड साइट के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जाए, और वो जो रजिस्टर बनाया गया इस तरीके की डिग्रेडेड वेटलैंड साइट के लिए, उस रजिस्टर को बोला गया मोन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड। मोन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड क्या है कि टाइम के साथ में कोई भी वेटलैंड साइट में अगर कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, ह्यूमन बीइंग की वजह से भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चेंज, चाहे वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, अगर किसी भी रामसर साइट में कोई इस तरीके का चेंज या तो हो रहा है या हो चुका है, तो उन वेटलैंड साइट को इस मोन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में रखा गया। फिर टाइम के साथ में जब इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला तो यहाँ से इसमें रिमूव कर दिया जाता है इस रजिस्टर में। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की दो साइट ऐसी हैं जो इस मोन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं, एक तो राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो, और इसके अलावा दूसरा है वो मणिपुर की है लोकटक लेक। ओके, पहले जो चिलिका लेक जो ओडिशा स्टेट में है वो भी इस मोन्ट्रिएक्स रिकॉर्ड में शामिल थी, लेकिन टाइम के साथ में उसको यहाँ इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। तो ये लोकटक लेक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।